हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एम एस ट्यूट्स। गाइस लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के जो सिंटैक्स एरर होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो रन टाइम के एरर होते हैं जिनकी वजह से आपकी जो ऐप होती है वो क्रैश कर जाती है, आप उस तरह के एरर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ना सिर्फ आइडेंटिफाई बल्कि आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा भी मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस को बनाता रहूं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस रन टाइम के एरर जो होते हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले तो यहां पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं। यहां पे बेसिकली यहां पे मैं एक इंटेंट की यहां पे एक्टिविटी क्रिएट करने वाला हूं। तो यहां पे मैं न्यू में जाता हूं, उसके बाद मैं यहां पे कॉटलिन फाइल और यहां पे मैं सिंपल लिख देता हूं सेकंड, और यहां पे मैं कर देता हूं इसको ओके, और इसको मैं करता हूं मिनिमाइज, और अब मैं चलता हूं यहां पे और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपल कंट्रोल सी, और यहाँ पे सेकंड में आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ इम्पोर्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैं इसके जो टाइटल है ना इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ सेकंड। गाइस अगर आप इसके टाइटल को चेंज नहीं ना करते, अगर आप इसको टाइटल को चेंज किए बगैर, यानी कि दो फाइल का जो टाइटल होता है क्लास का, दो क्लास का अगर नेम सेम होगा ना तो रन टाइम के ऊपर आपको वो भी एरर मिल जाता है, या तो आपका जो ग्रेडल होता है वो बिल्ड ही नहीं होता और वो कहता है कि भाई आपने ये जो एरर के यहाँ पे जो नेम की जो डुप्लीकेशन है सबसे पहले आप उसको रिमूव करें और फिर उसके बाद जो है ना आपका वो ग्रेडल जो होता है वो बिल्ड होता है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की तरफ, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया है जिसकी आईडी मैंने यहाँ पे btn सेट किया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ btn.setOnClickListener, यानी कि इसके ऊपर मैं एक क्लिक लिसनर यहाँ पे सेट कर देता हूँ, क्लिक लिसनर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक इंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ, इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट, और यहाँ पे दिस एक कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, उसके बाद हमारी जो सेकंड वाली एक्टिविटी है उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे, और यहाँ पे हम क्लास डॉट जावा यूज़ कर लेंगे, तो जावा, और उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट एक्टिविटी क्रिएट कर देंगे, यानी कि स्टार्ट एक्टिविटी एक्टिविटी, और उसके अंदर हम अपना जो इंटेंट है उसको हम पास कर देंगे। ठीक है गाइस, तो ये सिंपल सा मेथड था। तो यहाँ पे मैंने देखी मिस्टेक कर दी है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, और यहाँ पे ये हमारा जो एरर अभी यहाँ पे किसी तरह कोई एरर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैं अपनी ऐप को रन करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी हुई है, बस लॉन्च होने वाली है जी। गाइज आप देख सकते हैं हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो रही है, बस थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं हम। तो जी गाइज फाइनली हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी हुई है। अगर अपने बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, यानी कि बटन के क्लिक करने के ऊपर हम जाएंगे अपने सेकंड पेज की तरफ, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें मैंने एक बटन को क्लिक किया और हमारी जो ऐप है वो क्रैश कर गई है, और उसने मुझे कह दिया कि भाई अनफॉर्चुनेटली एम एस ट्यूट्स हैज स्टॉप, यानी कि मेरी जो ऐप का ये नेम है वो हमारी जो ऐप है वो यहाँ पे क्रैश कर गई है। तो उसकी वजह क्या थी, अब ये एरर को आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक रन वाला यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपल इसको कर लेना है ओपन, और आपको ये जो रेड लाइनें हैं ना ये सारी आपकी एरर हैं, ये देखें। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेन एक्वी डॉट के टी जो है ना यहाँ पे 15 जो लाइन नंबर 15 है ना ऑन क्लिक के अंदर वहाँ पे एक एरर है। वो क्या एरर है वो हम देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अनेबल टू फाइंड एक्सप्लिसिट इंटेंट क्लास। ये देखें उसने मुझे क्या कहा है कि उसने मुझे कहा है कि भाई आपकी ये जो क्लास है ना, ये देखें अनेबल टू फाइंड एक्सप्लिसिट एक्टिविटी क्लास, मतलब कि हमारी ये जो सेकंड वाली क्लास है ना वो कह रहा है कि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। ये देखें ये वाली जो क्लास है ना वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसकी क्या वजह है। तो गाइस अगर आपने मेरी इंटेंट वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कोई न्यू एक्टिविटी क्रिएट करनी है तो उसको आपने सबसे पहले अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर डिक्लेयर करना है। अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने ही है, तो हमारी ऐप जो है वो क्रैश कर जाती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, क्लास जो है यहाँ पे एक्टिविटी टाइप करेंगे सिंपल एक्टिविटी, और यहाँ पे डॉट सेकंड, और यहाँ पे हम ये देखें। अब अगर मैं अब अपनी ऐप को रन करता हूँ ना तो अब मुझे ये जो हमारी ऐप क्रैश हुई है वो अब नहीं होगी। ये देखें सिंपल आपने इसको रन करना है तो आपको
तो जी गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो ऐप है वो अगेन यहाँ पे रन हो चुकी हुई है और इंस्टॉल भी हो चुकी है। अगर अब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पे ओपन हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये दोबारा क्यों ओपन हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इसका लिंक है वो मैंने सिर्फ एक्टिविटी मेन ही का ही रखा हुआ है, मैंने इसकी जो सेपरेट यहाँ पे एक्सएमएल नहीं क्रिएट की हुई, इस वजह से उसने यहाँ पे मुझे अगेन वही डिस्प्ले करा दी। ये देखें अगर मैं अगेन क्लिक करता हूँ ना, ये देखें ये बैक पे गया और यहाँ पे मैं अगेन क्लिक करता हूँ तो अब हमारी जो ऐप है वो क्रैश नहीं हुई है। तो गाइज आप अगर यहाँ पे रन में जाते हैं ना तो आपको यहाँ पे किसी तरह कोई एरर भी देखने को नहीं मिलता जो आपको पहले देखने को मिला था। तो बिल्कुल आपने इसी मेथड के साथ आपने तमाम के तमाम एरर को सॉल्व कर लेना है। और उसके अलावा अगर आपका ये जो रेड लाइन है अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है ये क्या एरर है तो आपने सिंपल उसको कॉपी करना है और आपने गूगल के ऊपर जाके पेस्ट कर देना है। तो आपको यहाँ पे उसके जो सोल्यूशन होते हैं ना एरर के वो आपके काफ़ी सारी वेबसाइट से देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर लाजमी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।